हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर की और एक्सचेंज यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स रहे हैं, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस करेंगे, और आज जो इम्पोर्टेंट डाटा आया उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ा है मार्केट पर, और उसकी वजह से यहाँ पे आप जो फॉल देख रहे हैं, ये सारा का सारा फॉल डाटा की वजह से आया है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जीडीपी का डाटा जो है पॉजिटिव आया है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स थोड़ा सा नेगेटिव आया है, और उसी की वजह से यहाँ पे आपको विक भी देखने को मिल रही है, एक लंबी विक देखने को मिल रही है। अदरवाइज सारा का सारा डाटा जो है सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए नेगेटिव आया है, और इसी वजह से यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट आई है। और डॉलर इंडेक्स इसके अगेंस्ट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया है, क्योंकि जीडीपी जो है उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश आया, और साथ ही साथ जो होम सेल्स का डाटा है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश आया, जिसकी वजह से यहाँ पे आप एक अप मूव देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो डाटा है, डाटा ने आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव लेकर आया है मार्केट में, और उसी की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फॉल भी देखने को मिला है। अब हमने जो मार्क किए थे, हमने 71,680 का हमने एक लेवल मार्क किया था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड के देखने को मिलेगा। 71,983 फर्स्ट टारगेट, 72,395 सेकेंड टारगेट रह सकता है। तो इसके अराउंड मार्केट गई है, लेकिन इसको टच नहीं किया। टच करने से पहले मार्केट यहाँ से हमें रेड कैंडल देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे गिरी है और मार्केट ने वापस इस जोन के अंदर एंट्री ली, और इसे एग्जिट लेते टाइम मार्केट ने हमारे डाउन साइड के दो तीन टारगेट्स को हिट कर दिया। तो अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनी, उसके बाद मार्केट ने वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हुई, साथ के साथ कैंडल की बॉडी स्ट्रॉन्ग हुई, और उसके बाद मार्केट ने हमें एक और स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड कर दिया। तो 15 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पर यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती थी, और ये चीज हमने कल भी डिस्कस किया है कि जिन लेवल्स पे आप जिस टाइम फ्रेम पर आप अपने लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे एक टाइम फ्रेम नीचे यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेड्स लेने हैं। जैसे अगर आप डे के चार्ट पे आप मार्क करते हैं लेवल्स को, तो आप उसे छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर्स या 1 आवर के चार्ट पे ट्रेड्स लीजिए। 1 आवर पे करते हैं तो 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के चार्ट पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेटर होगा 1 आवर से आप 30 मिनट्स के चार्ट पर स्विच करके आप वहां से ट्रेड प्लान कीजिए। तो ये चीज हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, और अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सजी यूएसडी में किस तरह का मार्क हमने किया था और किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से हमने 22.88 एक लेवल मार्क किया था, और हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से अपसाइड का मूव हमारा मिलेगा एक अच्छा। 22.92 फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, 22.96 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। इसके बाद भी मार्केट और ऊपर गई है, और मार्च अपसाइड का एक और लेवल हमने मार्क किया था 23.14। ये हमने वीडियो में नहीं दिया था आपको टारगेट, लेकिन हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ लेवल। इस लेवल पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और मार्केट इसके बाद स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी है। और नीचे क्यों गिरी है ये हमने अभी डिस्कस किया है, काफी सारा डाटा आया है। यहाँ से फॉल हुआ, हमारा जो डाउनसाइड का डिसेसिव लेवल था वो ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और उसकी वजह से मार्केट देखिए और नीचे की तरफ गिरी है। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकेंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड टारगेट भी हिट हो गया, और भी नीचे तक मार्केट आई है, लेकिन यहाँ तक हमने लेवल्स को मार्क नहीं किया था। तो पहले अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए वो हिट हुए, फिर डाउनसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए वो हिट हुए, और अभी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी मूड पे लग रही है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, देखिए यहाँ पर जिस लेवल पर मार्केट इस टाइम पर है, इसके नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 22.754 का। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर एक कैंडल नीचे रेड आई थी फिर ग्रीन मिल गई है, यहाँ पर भी विक आई थी फिर ग्रीन ही मिली है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारा 22.75 का लेवल, और इसके ऊपर जो लेवल है 22.80 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल और 22.75 का लेवल ये हमें डिसीजन लेने में अब हेल्प करने वाले हैं। इसके अराउंड जो लेवल्स हैं वो हमें ग्रीन करने होंगे, ये हमारे टारगेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर 22.80 के ऊपर मार्केट क्लोज देती है तो 22.88 फर्स्ट टारगेट, 22.9299 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। छोटे टारगेट्स मार्क कर रहे हैं क्योंकि कल जो है बहुत ज्यादा डाटा नहीं आ रहा है, तो छोटे मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट 22.75 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 22.68 फर्स्ट, 22.57 सेकेंड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए एक्सजी यूएसडी के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि सिल्वर में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं, तो सिल्वर देखिए ऑलरेडी दो डिसेसिव लेवल्स के बीच में ही काम कर रहा है। 71,680 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 71,983 फर्स्ट टारगेट रहेगा,
इसके बाद इस लेवल को हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये लेवल अभी में फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है। तो 72,326 सेकेंड टारगेट और 72,642 थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट सेल साइड प्लान करना है तो 71,418 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हुआ तो 71,119 फर्स्ट, 70,775 सेकेंड, 70,593 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स प्लान करने में। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इंट्राडे की स्ट्रेटजी और हमारे ईएमए की स्ट्रेटजी, 5 ईएमए की स्ट्रेटजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है फॉरेक्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे व्यूअर्स को दे भी रही है। तो इनको आप यूज करके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से अर्न कीजिए। अब स्विच करते हैं फंडामेंटल्स पे। तो कल जो है बहुत ज्यादा डाटा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाटा है। सुबह यूएस का डाटा आ रहा है, सॉरी एयूडी यूएसडी का डाटा आ रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए। बट मेजरली जो यहाँ पर लगता है मुझे, जो यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर या गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, वो शाम के 6 बजे पीसीई का डाटा है। अब पीसीई क्या होता है? बेसिकली पीसीई होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो एक्सपेंडिचर जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया जाए, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं जिसको वो खुद के लिए कंज्यूम करने वाले हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करने वाले हैं, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करने वाले हैं। अब पर्सनल कंजम्पशन में एनर्जी प्रोडक्ट्स भी आते हैं और फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हमारे जो ग्रेन्स हैं, राइस है, ये सब चीजें भी आती है। तो पर्सनल कंजम्पशन में हम फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत ही बेसिक और सबसे जरूरी चीजें हैं, इनको एक्सक्लूड करके इनके अलावा जो चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिन पे कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, अपने आप को और सहूलियत देने के लिए अपने कंजम्पशन को और बढ़ा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फोरकास्टेड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स है। अगर ये पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, जैसे कि हमें देखने में मिल रहा है यहाँ पे फोरकास्टेड, यानी कि पुराने से बढ़ा हुआ है, 1.1 से 0.3 होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो बेसिक प्रोडक्ट्स के अलावा भी अपने ही कंजम्पशन के लिए और प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पास बहुत पैसा है, उनकी सैलरीज अच्छी है, उनकी कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और इसका मतलब है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। इकोनॉमी स्ट्रांग मतलब उस देश की जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग, और अगर उस देश की करेंसी यानी कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ तो लोग क्या करेंगे, डॉलर इंडेक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ से उनको ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कहाँ से करेंगे, जो उनकी और जगह पे इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे उन्होंने सेफ अपना पैसा रखा हुआ है, वहां से पैसा निकाल के ये डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। अब वो सेफ जगह है कौन कौन सी है, वो है हमारा गोल्ड और सिल्वर, यानी कि XAUUSD और XAGUSD, ये हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। अगर मार्केट डॉलर इंडेक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो XAGUSD और XAUUSD में से पैसा निकाल कर करेगी, इसका मतलब है इन दोनों की जो डिमांड है सिल्वर और गोल्ड की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और हमें ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कि अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, बढ़ा हुआ आया, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड सिल्वर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, डाटा को समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा डाटा है, किस चीज के ऊपर, कौन सी करेंसी पेयर के ऊपर, किस तरह से और क्यों इम्पैक्ट डाल रहा है, और इसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों के ऊपर कैसे पड़ेगा। ये रिलेशन समझ के आप अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा और आप एक सेफ ट्रेड प्लान भी कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमें पॉजिटिव कमेंट्स भेजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल जो है और बूस्ट हो और हम आपके लिए और परफेक्ट एनालिसिस और बेटर वीडियोस लेकर आ सके। सो आई होप आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी स्ट्रेटजीज को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।